जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे उत्सर्जन चैप्टर है कि नहीं? उत्सर्जन का दूसरा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है कि नहीं? कई बहुत ही छोटा चैप्टर था। कौन चैप्टर था? अगर तुम लोग का पिछला लेक्चर देख रहे हो या पढ़े हो तो तुमको पता होगा, पिछला हम लोग बताए किडनी के बारे में, बताए कि नहीं? पिछला हम बताए नेफ्रोन के बारे में। यहाँ पर ला के छोड़े थे कि हमारा शरीर में पेशाब कहाँ जाके जमा हो रहा है? मूत्राशय में। कहाँ जमा हो रहा है? तो आज हम लोग शुरू में कहाँ से करेंगे? पेशाब से। कहाँ से करेंगे? कि पेशाब में क्या क्या रहता है कि नहीं? क्योंकि उत्सर्जन चैप्टर है तो पेशाबेर के बारे में पढ़े के। पिछला चैप्टर में जो दो चार गो छोटा छोटा था, जैसे पसीना, पसीना में क्या रहता है? नमक। क्या रहता है? एगो शिवम नाम का था जो नका पर आता है, तेलिए पदार्थ, उसमें क्या रहता है? तेल है कि नहीं? यकृत का काम क्या था? यकृत का काम यदि अमोनिया को यूरिया में बदल देना। अनपचा भोजन को बाहर कौन निकाल रहा था? बढ़िया, तुम लोग भी बोले जाओ अगर पिछला लेक्चर देखे हो, नहीं देखे हो पहले उसको देख लो। उसके बाद और तुम लोग का कल के लेक्चर में बताए थे कि त्वचा से को क्या निकलता है? पसीना। क्या निकलता है? पसीना। उसके बाद फिर क्या पढ़ाए थे? शिवम। तो उसी में आ गया था। आज हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में? पेशाब या मूत्र। इसका निर्माण कहाँ से हुआ था? वृक्ष से। कहाँ से हुआ था? जमा कहाँ रहता है? मूत्राशय में है कि नहीं? मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। इसमें रहता क्या है? तो पेशाब का लगभग 95 या 96% पानी है। कौची है? 2% जो कि हम लोग निकाले चाह रहे थे यूरिया। क्या यूरिया बना किससे था? अमोनिया से। किससे था? तो दिक्कत है यूरिया के कारण जो है हमारा पेशाब का दुर्गंध आता है। क्या आता है? तुम लोग का पेशाब में दुर्गंध कभी पता चला है? जिस समय तुम पेशाब करते हो, जिस समय उस समय उसमें कोई दुर्गंध नहीं, 3-4 घंटा के बाद उसमें गंध आ जाता है कि नहीं? तो पता है क्यों? क्योंकि जैसी यूरिया 3-4 घंटा तुम छोड़ दोगे, वो पुनः क्या बदल जाता है? अमोनिया। क्या बदल जाता है? शरीर में भी अगर तुम समय समय पर पेशाब अगर बाहर नहीं निकालते हो तो ये फिर शरीर में क्या बन जाता है? अमोनिया। तुम लोग को बताए थे अमोनिया ज्यादा खतरनाक की यूरिया? अमोनिया। तो इसलिए अमोनिया को तो बनने मत दो, उससे पहले निकाल दो। तो पिछला पेशाब में दुर्गंध किसके वजह से आता है? अमोनिया के वजह से। किसके वजह से? जहाँ पे भी पब्लिक टॉयलेट रहता है देखता हुआ पूरा खराब गमकता है कि नहीं? तो उस वहाँ पे किसकी मात्रा बढ़ी हुई है? अमोनिया की मात्रा को 2% अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ क्या? और भी शरीर में बहुत कुछ बनता होगा जो कि शरीर से बाहर निकालना है, तो उसको को प्रतिशत में काउंट कर लिए। 96% पानी, 96% 2% यूरिया, 2% अमोनिया भी अमोनिया। अन्य पदार्थ कौन पदार्थ? बोलो को दिक्कत है? मात्रा पता चला? तुम लोग का पेशाब का पीएच मान हम क्षार लवण में पढ़ाए थे 4.8 यही होता है? आए? 7 होता है, 4.something था। यह एक अम्लीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो दिक्कत है तो पूछेगा पेशाब का पीएच मान कितना? 4.8। यह अम्लीय हुआ कि क्षारीय? तो दिक्कत है। आगे बताओ ये पेशाब में गंध किसके वजह से आता है? अमोनिया की वजह। चलो इन्हें लिखा, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे गंध। क्या गंध किसके वजह से आता है? अमोनिया। एक चीज और बताओ, तुम लोग को अगर पता होगा तो बाथरूम पीला किसके वजह से होता है? बिलरुबिन के वजह से। किसके वजह से? लेकिन देखते हो पेशाब भी पीला रंग का रहता है कि ना? ये बिलरुबिन से ना, इरोक्रोम के वजह से। किसके वजह से? पूछेगा पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? किसके कारण? इरोक्रोम के कारण। शरीर में जितना इरोक्रोम बढ़ेगा उतना ज्यादा पेशाब क्या होगा? पीला। ये ज्यादातर कब बढ़ता है? तो जब हम दवाई उवाई खाते हैं। क्या खाते हैं? तो देखता हुआ दवाई उवाई खाता उसका पहचान है पेशाब का पीला निकलना है कि ना? कोई दिक्कत है? तो पेशाब में किसी को दिक्कत रहा? इसमें पूछेगा क्या? तो पूछेगा पेशाब में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? पानी। उसके बाद यूरिया है कि नहीं? फिर अगर पूछ सकता है इसका पीलापन किसके वजह से आता है? इरोक्रोम के वजह से। उसके बाद इसमें गंध किसके वजह से आता है? बोलो को दिक्कत है? अब चलते हैं, कल हम लोग किडनी पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े थे? तो किडनी से संबंधित रोग, किडनी से संबंधित कोई दिक्कत है? तो किडनी से पहला संबंधित रोग आता है पथरी। नाम कभी सुने हो? पहला रोग कौन आ गया? तो किडनी में सुना पथरी हो गया कि ना? तो किडनी के पथरी का उपाय कई सारा है। एक तो है किडनी को काट के बाहर निकाल दो,
है कि नहीं? वो लेकिन सबसे अंतिम उपाय, उससे पहले कई इसका दवाई आता है कि दिक्कत है, जो पथरी को क्या करने का काम करे, गलाने का काम करे, क्या करने का काम करे, गलाने। फिर एक बात और पूछेगा कि पथरी बनल किसके रहता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट से, किससे, एक एक किडनी कहीं और बन, एक पथरी कहीं और बन रहा था, बता सकते हो कहाँ बन रहा था, पिताशय में, कहाँ बन रहा था, अब पथरी क्या है, कुछ नहीं, कहीं पे अष्टा मास जम जाना ही पथरी बोलते हैं, लेकिन है तो उसी प्रकार किडनी में भी अष्टा मास जम गया उसको क्या बोले लेंगे, पथरी, क्या बोले लगेंगे, तो सबसे इसमें ज्यादातर बीमारी किसका होता है, पथरी का, किडनी में सबसे ज्यादा बीमारी किसका होगा, पथरी का, कोई दिक्कत है, दूसरा का, कई के पेशाब में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, वैसे बीमारी को बोलते हैं यूरेनिया, क्या बोलते हैं, यूरेनिया नाम के किडनी से संबंधित बीमारी है, उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, अमोनिया की, किसकी मात्रा बढ़ जाती है, एक हो गया किडनी बीमारी, दूसरा का यूरेनिया, दूसरा का क्या हो गया, किडनी बीमारी बोल दिया, देखिए सॉरी पथरी बीमारी, कौन बीमारी, फलो फलो निकल जाता है, आगे तीसरा का सबसे बढ़िया बीमारी है पथरी खराब, अरे किडनी खराब, अब किडनी खराब कैसे होगा, कई कारण है, तुम कभी एक्सीडेंट कर गया, किडनी में चोट लग गया, खराब हो जाएगा कि नहीं, पथरी खराब, अरे किडनी खराब, कौन खराब, अब पूछेगा किडनी खराब कब होता है, तो किडनी खराब हुए कई कारण, वहां पे चोट लग गया, क्या लग गया, या फिर तुम लोग का पहले यूरेनिया बीमारी था, स्टोन बीमारी था, ये सब था कि नहीं, और उसको तुम इलाज नहीं करवाए तो पूरा किडनी खराब हो जाएगा, तो किडनी खराब जब भी होता है तो उसका एक के इलाज है, उसको बदलवाना पड़ता है, क्या करवाना पड़ता है, अब किडनी बदलवाने से मतलब ही हुआ किसी से मांग के अपना वाला में लगा लेना, क्योंकि किडनी में एक किडनी से भी आदमी का उतना ही काम होता है जितना दो किडनी से होता है, ये कभी टेंशन मत लेना उसके पास दो किडनी है तो ज्यादा काम नहीं, इसका काम है छानना, तो एक को से उतना ही छनाएगा, दुई को से, दो को से जरी फास्ट छनाएगा, एक को से स्लो छनाएगा, लेकिन खूने के नहीं छानना है रे, तो कोई कहते टेंशन नहीं लेना, जिसका किडनी एक को, कतेक तो बचपने से एक रहता है, ये कोई बड़ा बात नहीं, कतेक बचपने से एक रहता है, कोई बीमारी के कारण, कोई कहते, तो बताओ जब किडनी खराब हो जाए तो किडनी को क्या करते हैं, बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तुम लोग पोस्टमार्टम सुना होगा, पोस्टमार्टम में अगर हम लाश को 48 घंटा के अंदर भेज देते हैं, कितना घंटा के अंदर, तो बताओ उम्मीद बॉडी के किडनी उडनी तब तो दोबारा कोई काम के है नहीं, तो 48 घंटा के अंदर कोई भी मरे बॉडी से किडनी निकाल लेते हो तो किसी वाला में सेट कर सकते हो, कितना घंटा के अंदर, तो पोस्टमार्टम के समय कई बॉडियों से क्या निकाल लिया जाता है, किडनी, अगर उसका किडनी सही कंडीशन में है तब, एक और दिक्कत है, पूछेगा मृत आदमियों से किडनी कितना घंटा के अंदर निकाल लिया जाता है, कितना घंटा के अंदर, अगर तुम्हारा किडनी खराब हुआ तो एक उपाय भी है, किसी को क्या कर दो, टपका दो, क्या कर दो, टपका दो उसका 48 घंटा के अंदर में किडनी नोच के निकालो और पल्ला में सेट कर दो, ये सब इनलीगल है, कभी करना मत, हम ये तो यूट्यूब पर बता रहे हैं, कहीं हमको पुलिस पकड़ने चलने अबे नहीं, इसी काट देंगे, है कि नहीं, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, आगे आगे देखो अन्नू, तो क्या बोले, जब ब्रिक खराब हो जाता है तो उसके जगह पर नया ब्रिक लाया जाता है, उसका दो ऑप्शन है, या तो कोई आपके रिश्तेदार संबंधी पापा मम्मी कोई भी अगर अपना देना चाहता है तो दे सकता है, या फिर कोई मरे व्यक्ति को कितने घंटा के अंदर में, 48 यानी दो दिन के अंदर में उसको निकाल सकते हो, कितने दिन के अंदर में, इसको करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जब तुम्हारे अंदर में अगर किडनी खराब है, क्या खराब है, तो यानी अंदर में किसकी मात्रा बढ़ा ले, अमोनिया की, अमोनिया की मात्रा बढ़ेगा तो पूरा शरीर को क्या कर सकता है, मार सकता है, तो तब तक मरीज को एक अस्ट्रा बाहरी से मशीन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मशीन, इस मशीन को बोलते हैं डायलिसिस मशीन, कौन मशीन, डायलिसिस मशीन का काम बस इतना है कि जिस प्रकार हमारा किडनी छान रहा था उसी प्रकार डायलिसिस मशीन को भी काम क्या है, छानना है कि नहीं, ये अक्सर सर्जरी के समय लगाया जाता है, कब समय लगाया जाता है, सर्जरी का, 4-5 घंटा चलता है, या फिर कई बार जब तुम लोग का कोई लंबे समय ले किसी का इलाज चले 6-7 दिन के लिए, उस समय भी डॉक्टर कौन मशीन लगा देता है, डायलिसिस, उसमें देखता होगा अजमिया को पन्नी में पेशाब को ऐसे करके रख ले रहता होगा, कभी किसी का देखा है पाइप पुम निकाल ले, तो उसमें कौन मशीन का लगाया हुआ है, डायलिसिस, इसमें कुछ नहीं होता, सब किडनी है, इसको बोलते कृत्रिम ब्रिक, कौन ब्रिक, कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया, कोई चीज जो बाहर से बनाता उसे कृत्रिम बोलते हैं, ब्रिक मतलब ब्रिक, ये हायत से हायत 7-8 दिन तक काम करता है, कितना दिन तक, लेकिन ज्यादातर बढ़िया काम को घंटा करता है, 4-5 घंटा, जितना भी दिन ऑपरेशन आराम से हो जाएगा कि नहीं, कहते कि देखता हुआ एगो थैला टांगले रहता है, कभी देखे ऐसा, हाँ हाँ जो देखा वो ठीक है, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन, क्या बोलते हैं,
उसमें करते क्या है, या देखो हमको छानना किसको है, खून को, तो एक अथी को भेज देते किस में, सिरा में, मान लो यहाँ पर दो नस जा रहा है, एगो सिरा एगो क्या जा रहा है धमनी, यहाँ से एगो पाइप के द्वारा पहले सिरा से अथी धमनी से निकाल लिए खून, इसको छा के और फिर पुनः किस में भेज दिए, सिरा में, है कि नहीं। अब बीच में यहाँ पर एक मशीन लगा होगा, वो मशीन का नाम क्या होगा, डायलिसिस मशीन, क्या मशीन, को दिक्कत है यहाँ ले। उसके बाद आता है नुनू पेड़ पौधा, मतलब हम लोग जैसे कि यूरिया उत्सर्जित करते हैं, कोई चीज अमोनिया उत्सर्जित करता है, तो इसको वर्ग में बांट दिया, क्या कर दिया है, जैसे पेड़ पौधा बांटा ज्यादातर उत्सर्जित करता है लासा या गोंद, लासा या गोंद, देखता है लासा वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और गोंद जितना तुम लोग यूज कर रहे हो सब किसका उत्सर्जी अंग है, पेड़ पौधा का, किसका, उसी प्रकार जो जीव जो जीव यूरिया त्याग करता है, क्या त्याग करता है, यूरिया, उसे बोलते हैं यूरियोटेलिक, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कौन टेलिक में आएंगे, यूरियोटेलिक, हम लोग क्या त्याग करते हैं, अरे हम लोग पेशाब के द्वारा क्या निकालते हैं, यूरिया, तो जो यूरिया निकालेगा वो यूरियोटेलिक, जैसे जितना स्तनधारी जीव है, जितना चाहे हम हो गए थी हो गए, तुम लोग का बचपन में पिलाता था बच्चिया, कहते बच्ची का मुंह थे नहीं रहता है बछवा, गैया के बछवा को बच्चिया बोलते हैं, उसका कभी किसी को पिलाया है, कौन तो को बीमारी होता, अरे यार बच्चा में पिलाया था एक बार हमको आ दे, तो उस समय इतना बीमार होता है, बोल बच्चिया में भगवान अखिल क्या अखिल भगवान, और अगर मुँह पियेंगे एक बार क्या हो जाएगा, ठीक इसमें ठीक होंगे कि और बीमार होंगे, बीमार होंगे, क्योंकि उसके दौरान क्या पिला देता है हमको, यूरिया, और प्लस में जब मूत्र में क्या निकाले, जितना उत्सर्जी पदार्थ है अंदर में, जितना बीमारी सब इसी के द्वारा निकालेंगे, तो उसका बच्ची वाला मूत्र किसके अंदर ले रहे हैं, मतलब जितना बीमारी है किसके अंदर ले रहे हैं, अपने अंदर, एक समय अरे यार हमको आज अभी बचपन हम, तो उसको कौन तरह का बीमारी हुआ था, देखो ना, अब ऐसा तो हमको पता नहीं, लेकिन तुम ही सोचो किसी का मूत्र जितना भी स्तनधारी जीव उसके अंदर से क्या निकलेगा, यूरिया, क्या निकलेगा, क्या यूरिया हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, नहीं। अब कुछ अच्छा क्या कहता है एंजाइम और पता होगा तो नहीं, हमको पता है कि नहीं, चलो आगे देखो, तो स्तनधारी जीव को क्या बोलते हैं, यूरियोटोली, क्या बोलते हैं, उसी प्रकार कुछ जो रहता है यूरिक अम्ल त्यागता है, क्या त्यागता है, हम लोग यूरिया, कुछ जीव यूरिक अम्ल, कौन अम्ल, उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, कौन टेलिक, यूरिकोटेलिक, किसको बोलेंगे, जो क्या त्यागेगा, यूरिक अम्ल, जैसे में पक्षी देखे हो, पक्षी के पेशाब में यूरिया ना रह के क्या रहता है, यूरिकोटेलिक रहता है, यूरिया अम्ल रहता है, यूरिक अम्ल, कौन अम्ल, पता नहीं फंस रहे हैं बहुत ज्यादा, फंस रहे हैं ना, पता नहीं क्या हो गया है, सुझा पहले, हाँ सत्य मारा आवर गड़बड़ा रहा है मेरा पावर, गड़बड़ बात है यूट्यूब वाला, अच्छा देखो तुम लोग कहीं जानता क्या हुआ है, लाइट कटल है, अखिया पर इतनी वो लाइट निकाले फलसवा, वही कारण अखिया चन मना रहा है, कोई भी चीज नया ढंग में जाओगे तो अलग ढंग का लगता है कि नहीं, वही कारण है मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। आगे देखो, तो जो यूरिक अम्ल निकालेगा क्या निकालेगा, उसको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक, क्या बोलेंगे, उसी प्रकार जो अमोनिया निकालेगा क्या निकालेगा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो डायरेक्ट अमोनिया बाहर कर देता है, क्या बाहर कर देता है, और उसे बोलेंगे अमोनोटेलिक, क्या बोलेंगे, जैसे जितना मछली और कीट, कीट देखे हो ना, कीट फटिंगा छटका छटका जीव को, तो सब कुल क्या निकालता है, डायरेक्ट अमोनिया, हम लोग क्या अमोनिया से यूरिया में चेंज करता है, कौन, यकृत, कौन चेंज करता है, कुछ जो है ग्वानिन नाम का एक उत्सर्जी पदार्थ है, ग्वानिन त्यागता है, क्या त्यागता है, उसको बोलते हैं ग्वानोटेलिक, क्या बोलते हैं, सबको आज रखे जाने बड़ा बात है, ग्वानो से ग्वानोटेलिक, अमोनिया से अमोनो, यूरिको से यूरिक, यूरिया से यूरिया, है कि ना, अब पेड़ पौधा में लासा और गोंद को दिक्कत है, इस थोड़ा हम लोग का टेंथ से बाहर है लेकिन जानना जरूरी है, जैसे हम लोग पूछेगा हम लोग कौन टेलिक में आते हैं, तो यूरियोटेलिक में, कौन आते हैं, पक्षी किस में आएगा, यूरिकोटेलिक में, किस में आएगा, अब आते एक जी थोड़ा सा पड़ेगा पादप उत्सर्जन, क्या पड़ेगा, मनुष्य उत्सर्जन पढ़ लिया ने, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन कौन है, वृक्ष, कौन है, आज हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं पादप उत्सर्जन, कौन उत्सर्जन, पादप में क्या उत्सर्जन, तो देखो पादप में भी शोषण होता है, तो उसमें भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर में रखना है कि बाहर में रखना है,
अरे पागल, उसमें दोनों बात आता है। जब दिन के समय रहेगा तो शरीर में रखना है, दिन के समय रहेगा तो, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है, प्रकाश संश्लेषण में। जब रात के रहेगा तो बाहर करना, रात को रहेगा तो बाहर करेगा, कोई अथी रहेगा तो। तुम लोग को बताए थे पेड़ पौधा का शोषण शरीर के हर एक भाग से होता है, होता है कि नहीं। जैसे पत्ती में कहाँ से होता है, अष्टोमाता या रंध, तो निकालेगा कहाँ से, अष्टोमाता या रंध से। फिर तुम लोग को बताए थे तना भाग में, कौन भाग में कहाँ से होता है, बातरंध, बातरंध बोले थे खरसिया नियर का, तो उसका निकलेगा कहाँ से, बाद तो पूछेगा CO2 का निष्कर्षण कहाँ से होता है, मतलब जब पौधों में शोषण हो रहा है तो उसका CO2 कहाँ से निकलेगा। जब पत्ती पूछेगा तो, जब तना पूछेगा, और जब कुछ नहीं बोलेगा तो समझ लेंगे पत्ती पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्योंकि तुम लोग को पता है थे कि गैसों का आदान प्रदान यानी गैसों का परिवहन कहाँ से होता है। अगर तना बोल दिया तो मारना पड़ेगा क्या, अच्छा अगर जड़ बोलेगा तो मूल रोम, बताए थे जड़ में कहाँ से होता है, आगे पत्ती में अच्छी। तुम लोग काफी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, कल के या परसों परिवहन में, कि बात को सर्जन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, होता है कि नहीं। पेड़ पौधों को पानी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बात को सर्जन भी कहाँ से हो रहा था, पत्ती से, पत्ती के कौन भाग से, अष्टोमाता या रंध्र, अष्टोमाता या, याद रखना कि बात को सर्जन भी एक प्रकार के उत्सर्जीय पदार्थ है, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा रख पाएगा नहीं तो पानी को बाहर फेंकना है, तो यानी ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन हो गया। तो ये उत्सर्जन कहाँ से होता है, रंध्र से, कहाँ से होता है, कोई दिक्कत है। उसमें कुछ ऐसे भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जो पेड़ पौधा के लिए बड़ी उपयोगी रहता है। उपयोगी मतलब कि कुछ को अपन छाल में सटा लेगा, किस में सटा लेगा, जिससे उसको क्या हो जाएगा, मजबूती मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको निकालने की जगह अपने अंदर में रख लेगा मजबूती की वजह से। जैसे एक टेनिन नाम का उसमें अति बनता है, ठीक है, तो टेनिन कोई कहाँ रख लेता है, छाल में कहाँ रख लेता है, उसी प्रकार रेंजिन या गोंद, रेंजिन या गोंद उसको कहाँ रख लेता है, पुराना जाइलम में, कहाँ पर रख लेता है, रखे के एक उद्देश्य, जिससे कि पेड़ की क्या मिले, मजबूती। किस, अच्छा गोंद का काम क्या देना है, मजबूती। तो पेड़ पौधों से बाहर निकालना चाहेगा कि अंदर में रखेगा, अरे हम लोग का जो नेट है ना वही पेड़ पौधा का गोंद है, वो क्या है, गोंद, लेकिन उससे उसको मजबूती मिलता है। क्या हम लोग का नेट से मजबूती मिलेगा, तो हम लोग को बाहर निकालेंगे इसको, इन पेड़ पौधा को गोंद से मजबूती मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए ये अपने अंदर में रखता है। उसको कहाँ रखता है, अंदर में, किस भाग में, पुराने जाइलम में। जाइलम भी दो तीन प्रकार के होगा, जो अभी हाल फिलहाल में बना लोगों को बहुत पहले के होगा, तो पुराने जाइलम में किसको छुपा कर रखता है, गोंद को। तो हम लोग जाते हैं उसका छाला खरोच देते हैं, वह गोंदा बाहर निकले लगता है। कुछ ऐसे भी पौधा देखा होगा जिसको छाला खरोचते के साथ दूध निकलता होगा, निकलता है कि नहीं, और उस दूध को क्या बोलते हैं, लेटेक्स, क्या बोलते हैं, दिक्कत है। तो पौधा में तीन चारों को उत्सर्जीय पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले के रहा तो अगर पत्ती से निकाला तो किससे, अष्टोमाता या रंध से, तना से निकाला तो बातरंध से, जड़ से निकाला तो मूल रोम से, अगर उसको पानी निकालना है तो अष्टोमाता या रंध्र से, है कि नहीं। अगर उसको कुछ ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर में रखना चाहता है, जैसे टेनिन, क्या आता है, टेनिन को कौन भाग में रखता है, छाल भाग में, कौन भाग में, अरे नहीं देखता उसका खुरचिया नहीं, ऊपर में एक बार परत नहीं रहता है, वो कौन भागे, टेनिन भागे, कौन भागे, टेनिन, उससे उसको एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलता है, क्या मिलता है। उसके बाद और उसी को रेंजिन और गोंद नाम का दो चीज बनता है, उसको कहाँ छुपा कर रखता है, पुराने जाइलम में। फिर एक देखता है उसमें दूध नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है। हमारा ये उत्सर्जन चैप्टर भी पूरा क्या हो गया, कि बड़ा चैप्टर था कि छोटा, अरे उत्सर्जन मतलब हमको शरीर से बाहर निकालना, तो बाहर निकाले ज्यादा आदमी लगा रहता है, आए ज्यादा तो देखो कहीं पर भी बाहर निकाले ला रहेगा तो एक आदमी सबको बाहर निकाल देता है कि नहीं, अंदर घुसावे वाला, खाए ला, पचावे ला, इसमें नहीं ज्यादा रहेगा। तो भगवान भी होशियार थे, उत्सर्जन अंग बहुत कम दिए, उत्सर्जन अंग मनुष्य में क्या दिए, मुख्य रूप से दिए वृक्ष, क्या दिए, पौधा में क्या दिए, एगो दे दिए पत्ती में, वह रंध्र दोनों के काम कर रहा है, बात रंध दे दिए, खेला खत्म हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो इसका अब तुम लोग जाके किताब में अपना क्वेश्चन बना लेना, जिसका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आज हमारा उत्सर्जन खत्म हो गया, उसके बाद अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय, क्या पढ़ेंगे, नियंत्रण और समन्वय का मतलब भी होता है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, क्या करना। अभी तक हम लोग एक काम किए कि बहुत सारा काम कर लिए, जैसे पाचन में अलग ढेर आदमी लगा ले, श्वसन में अलग ढेर लगा ले,
उत्सर्जन में दो तीन गो लग गया, तो सबको कोई कंट्रोल करेगा रहेगा कि नहीं? तो नियंत्रण और समन्वय, मतलब सबको समान ढंग से काम कराना, सबको समान ढंग से काम। इसका मुख्य ठीका कौन रख ले? दिमाग। कौन रख ले? तो कहीं ना कहीं अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दिमाग के बारे में, उसी में आएगा हार्मोन। क्या आएगा? एक तरह समझो दिमाग के सिपाही को हार्मोन बोलते हैं। दिमाग के सिपाही को, दिमाग को अगर किसी को कोई काम करवाना है तो दिमाग खुद ही उठ के जाएगा, किसका कोई सिपाही होगा? तो अगर मान लो किसी से भी कोई काम करवाना है तो वहां पे क्या छोड़ता है? हार्मोन। क्या छोड़ता है? तो अगला चैप्टर हमारा मुख्य रूप से दिमाग और हार्मोन पर होगा, दिमाग और। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।